हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेसिकली आज हम आए हैं एक बाइक का रिव्यू देने। आज हम आए हैं सुजुकी के शोरूम में आए हैं। एक 55 सीसी की बाइक है, इसका हम रिव्यू देने आ रहे हैं। पहली वाली वीडियो में आपने देखा होता है उसका जो 55 सीसी का स्पोर्ट है, तो उसका हमने रिव्यू दे दिया है। आज बेसिकली हम 155 सीसी का बाइक रिव्यू देंगे, बट वो नेकेड बाइक है। बेसिकली बाइक है ये सुजुकी डिक्सर 155 सीसी, 2023 का मॉडल है ये। ओवरऑल इसका रिव्यू देने जा रहे हैं कि इसमें क्या क्या नए फीचर्स ऐड किए हैं, क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशन कर रखी है, इंजन में कोई चेंज कर रखा है नहीं कर रखा है, और कोई पेट्रोल टैंक एक्सपेंड कर रखा है नहीं कर रखा है, डिस्क पैड में कोई चेंज कर रखा है नहीं कर रखा। तो ओवरऑल बेसिकली आज इसका पूरा रिव्यू दे देंगे कि इसमें क्या क्या चेंज कर रखा है, इसमें कौन कौन से कलर अवेलेबल है, उसका प्राइस कितना है, और जिसको ये बाय करनी है तो EMI पे कैसे ले सकते हैं, या कितनी डाउन पेमेंट करके EMI पे ले सकते हैं, या कोई रेंट पे रहता है तो उसको कैसे ले सकते हैं, और हम इस टाइम किस शोरूम में खड़े हैं। ओवरऑल इसका पूरा आज बायोडाटा ले देंगे हम, कैसे आपको बाय करनी है, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे देंगे कि हम किस शोरूम में आए हैं। तो आज बेसिकली रिव्यू मैं नहीं दूंगा, जो यहाँ के शोरूम के ओनर है या जो इस बाइक के बगैर के सेल करते हैं, वो आज इस बाइक का रिव्यू का देंगे कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या नए फीचर आए हैं। तो बेसिकली सर आप आज इसमें बता दो कि इसमें क्या क्या चेंज आ रखे हैं। सर आपको पहले नाम बता दो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोविंद चौधरी है, जो कि मैं सुजुकी के डीलरशिप पे सेल्स मैनेजर हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा, जो कि आप जानते हैं सुजुकी हमेशा से एक प्रीमियम ब्रांड रही है, ठीक है। हमेशा से आपके जो कस्टमर के हिसाब से इन्होंने जो भी प्रोडक्ट निकाला है, जैसे यंगस्टर वगैरह है उन पे ज़्यादा फोकस रहता है सुजुकी का, इसलिए स्पोर्ट्स बाइक के ज़्यादा भी बनाती है सुजुकी। अब इन्होंने अभी लेटेस्ट लॉन्च किया है 155 सीसी की नेकेड वर्जन बाइक, जिसके बारे में मैं फीचर्स बताऊँगा आपको। अगर इसकी फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले इसकी लाइट देखिए आप, जो इसकी लाइट है वो DRL LED लाइट दी गई है इसके अंदर, जो काफ़ी पहले वाला वेरियंट था उसमें कैसी लाइट थी? उसमें भी LED स्टार्टिंग से ही है, 150 सीसी में उसमें LED ही आती है, लेकिन अभी जो लाइट है वो पहले की लाइट से काफ़ी अट्रैक्टिव है। अच्छा, तो इसको लुक को काफ़ी प्रीमियम लुक बना, ठीक है। सबसे पहली बात इसकी है, आप अलॉय व्हील देखिए, जो नॉर्मल व्हील्स आते हैं आपकी नॉर्मली तिली टाइप से होता है, इस पर जो दिखे वाई शेप में अलॉय व्हील दी गई है। प्लस जो इसकी डिस्क ब्रेक की साइज़ है वो आपकी 300 mm की डिस्क है, जो कि काफ़ी ब्रेकिंग के लिए आपकी काफ़ी बेटर रहता है। सॉकर जो है वो आपकी काफ़ी हैवी सॉकर है, 41 mm के सॉकर दी गई है इस बाइक के अंदर, ठीक है। इससे क्या होता है, जैसे रोड पे आप चलते हैं तो उसमें ग्रिपिंग आपकी काफ़ी अच्छी रहती है, बैलेंसिंग में बनी रहती है इससे, ठीक है। इसकी मीटर की बात करें तो मीटर इसकी फुल्ली कंप्यूटराइज डिजिटल मीटर दी गई है, जिसमें कस्टमर को काफ़ी अट्रैक्टिव फीचर्स मिलता है। न्यू वर्जन नेकेड वर्जन में इन्होंने सुजुकी ने जो अपडेट किया है वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसके अंदर आ रहा है। ब्लूटूथ में क्या है, 10x10 नेविगेशन है, लास्ट पार्किंग लोकेशन है, कॉल अलर्ट है, SMS अलर्ट है, गियर इंडिकेटर आपका आ गया इसके अंदर, ठीक है। प्लस ये जो व्हीकल है ये E20 व्हीकल है, आने वाले टाइम में ये एथेनॉल डलेगा इसके अंदर, 80% फ्यूल होगा, 20% एथेनॉल डलेगा, तो वो एथेनॉल भी इसमें आप इजिली आप राइड वो कर सकते हैं, ठीक है जी। इंजन जो आती है वो सुजुकी हमेशा से आपको पता है SEP इंजन आती है, तो जैपनीज इंजन कहते हैं। इनमें क्या बेनिफिट है, जैसे अभी गर्मियों के मौसम में कुछ व्हीकल ऐसे होता है जो हीट होती है काफ़ी, लेकिन सुजुकी जो की जो बाइक होती है या स्कूटर है इनका, वो आपकी कभी भी हीट नहीं होगी, सर्दियों में स्टार्टिंग दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, जो पिछले वाला मॉडल था उससे इस इंजन में चेंज किया है या नहीं किया? पहले जो था वो जो व्हीकल आती थी non-FI था, अब जो आ रही है ये व्हीकल, ये फ्यूल इंजेक्टर व्हीकल है। इनमें क्या है, दो चीज़ें प्लस में, इनको माइलेज भी इंक्रीज हुई है पहले से, पहले से माइलेज इंक्रीज है, प्लस जो इंजन आपकी है, ठीक है, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी मतलब पहले से ज़्यादा है। अब बेसिकली तो टैंक के बारे में बता दो, कोई इसका टैंक बड़ा है या उतने लीटर है सेल? फ्यूल टैंक वही है जो 12 लीटर पहले था, वही फ्यूल टैंक इन्होंने 12 लीटर के दी गई है, ठीक है। जो कि काफ़ी इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आपका क्या है, जैसे कोई भी व्हीकल अगर बाई द वे गिर जाती है आपकी, तो उसके टैंक डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इनमें क्या है, 3 पार्ट में डिवाइड है। अगर आपकी फ्यूल टैंक डैमेज होगी, जैसे इस साइड से आपकी डैमेज होती है, तो पूरा फ्यूल टैंक चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो इसके ऊपर से कवर्ड दी गई है ये सिर्फ चेंज करने की जरूरत पड़ी है। अच्छा, बेसिकली सर का कहना है कि जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो किसी का पूरा टैंक डैमेज नहीं होगा, आधा डैमेज हो जाएगा, तो इधर से ये पार्ट चेंज हो जाएगा, इधर से ये पार्ट चेंज हो जाएगा, तो ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, ये काफ़ी अच्छी बात है इसके लिए। और सर बेसिकली अब इसकी वो बता दो कि सीट के बारे में, सीट में कोई दिक्कत है? जो राइडर के लिए बैठने की जो फुट पोजीशन है आप देख सकते हैं, जो इसकी सीटिंग है काफ़ी कंफर्टेबल है। अदर स्कूल बाइक में क्या होता है, नॉर्मल आपकी सीटिंग पोजीशन बेटर नहीं होता, जिससे आपकी बैक पेन होने की वो दिक्कत रहती है, ज़्यादा कस्टमर कहता है झुकना पड़ता है मुझे, वो नहीं है। इसके जो सीटिंग पोजीशन है बैठ के भी वैसे बैठ के दिखाया, जैसे कि मेरे पास यमा R15 V4 है, तो ना उसमें बैठते हैं तो बैक पेन होता है, और जो उसकी पीछे वाली सीट है ना वो काफी ऊपर है, तो जो पीछे वाला बंदा बैठता है उसको काफी दिक्कत होती है। अभी इस बाइक में बैठा हूँ, काफी कंफर्टेबल है,
और काफी अच्छी फील आ रही है कि हाँ इसे लॉन्ग टूर वगैरह पे ले जा सकते हैं। लॉन्ग ड्राइव के लिए जाओगे थकावट महसूस नहीं होगी बिल्कुल भी आपको, और बैक पेन वगैरह जैसे सर मैं अपनी बाइक चलाता हूँ तो 50-60 किलोमीटर चलाता हूँ तो मेरे यहाँ पे हाथ में दर्द होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, पार्ट टाइप हैंडल बार है, इसमें वैसे भी दिक्कत नहीं आती, लॉन्ग ड्राइव पे भी आप इसे जा सकते हो। प्लस इसकी साइलेंसर देखो आप थोड़ा ठीक है, इसकी क्रोम के स्टील क्रोम के अंदर ड्यूल मफलर है इसमें ठीक है, ड्यूल एग्जॉस्ट के अंदर दी गई है ताकि आपके जो व्हीकल होता है ना नॉर्मल जब आप उसे रेस देते हो ठीक है, रेस देने के बाद में क्या होता है कि सिंगल साइलेंसर है वो प्रॉपर एयर ले नहीं पाती गाड़ी का, साउंड सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है वो भी आप देख सकते हैं। अब मैं आप इसकी बात करते हैं इसके सॉकर की, सॉकर जो दी गई है इसके अंदर जो अब आ रहा है मोनोसॉक सॉकर कहते हैं इसका, मोनो सस्पेंशन होता है इसमें क्या है सुजुकी में एक बेनिफिट आपको क्या मिल रहा है 7 स्टेप एडजस्टेबल है इसकी, रोड कंडीशन के हिसाब से आप इस सॉकर को 4-7 बार एडजस्ट कर सकते हो, जैसे रूरल एरिया में अगर जा रहे हो या आपका वैसे चला रहे हो गड्ढे वगैरह जैसे रोड पे उस पर क्या होता है सॉकर आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे जिसपे आपको ज़्यादा झटके वगैरह ये महसूस नहीं होते, कंफर्टेबल ज़्यादा महसूस होता है। डिस्क ब्रेक आप देख सकते हैं पीछे भी डिस्क ब्रेक दी गई है 220 mm का डिस्क ब्रेक है, प्लस जो टायर के जो इसके जो पीछे के टायर है वो काफ़ी ब्रॉड टायर है जो आपके 140 mm के टायर से, इसमें क्या होता है रोड ग्रिपिंग आपकी काफ़ी अच्छी बनी रहती है। अच्छा सर जो पहले वाला जो वेरिएंट है उसमें आगे ABS आते थे पीछे में ABS नहीं आते थे ना, तो इस वाले नए वाले अभी जो है दोनों में अभी फ्रंट चैनल ABS है इसके अंदर ठीक है, ड्यूल ABS जो आता है वो 250 वेरिएंट पे। अच्छा इसमें काफी चेंज कर दिया गया, इसमें चेंज कर दिया गया, पहले में सिर्फ आगे वाले में ABS आता था, अब दोनों में ABS दे दिया आगे पीछे का, आगे वाला साइज है 300 mm का और पीछे वाला है 220 mm का, तो ये काफी अच्छी बात है, आप कभी ज्यादा स्पीड चला रहे हो तो फास्ट रिकवरी के लिए ब्रेकिंग के लिए काफी अच्छी ग्रिप बन जाएगी, ये काफी अच्छी बात हुई है इस बार। अब करो कैरी करो आप, अब इसके इंजन के बारे में बात कर लेते हैं, तो 4-cycle 1-cylinder एयर कूल्ड FI इंजन है जो जापानी इंजन होता है, जब आप रोड पे चलोगे तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है और आपकी बाइक हीट भी नहीं करती है तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और इंजन की बात हो तो टॉप स्पीड की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, जो उसकी टॉप स्पीड है 127 है किलोमीटर पर आवर और जो 0-100 कवर अप कर लेती है 17 सेकेंड में कवर अप कर लेती है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और रही इसकी सीट की हाइट की बात तो मैं बैठ के दिखा देता हूँ, जो इसकी सीट हाइट है ना वो है 795 mm की है जो काफ़ी अच्छी बात है, मेरे पैर ओवरऑल पहुँच जा रहे हैं, कोई मेरे से छोटा भी होगा तो उसके पैर पहुँच जाएंगे तो आपको चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और कंफर्टेबल भी लग रही है बैठ रहा हूँ तो काफ़ी, यामाहा वालों की तरह नहीं है कि उनकी सीट थोड़ी हार्ड होती है चलाने में थोड़ी दिक्कत आती है, बट इसकी सीट कम्फर्टेबल है और लॉन्ग टूर पर भी लेके जा सकते हो, और इसके जो राइडिंग पोजिशन है वो भी काफ़ी अच्छा है, हाथ वगैरह में दर्द नहीं हो रहा और ऐसे फील आ रही है कि आपने कोई नेकेड बाइक ले रखी है तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मेन जो सुजुकी जिक्सर है इसकी एवरेज बताओ, प्रॉपर जो एवरेज जो है वो कस्टमर फीडबैक हमेशा से अपनी माइलेज को लेके जाने के लिए मार्केट के अंदर काफ़ी है, अदर व्हीकल से सुजुकी की जो माइलेज होती है नॉर्मली आपकी 20-30% एक्स्ट्रा माइलेज देती है, इसका जो कस्टमर फीडबैक है कस्टमर बिलीव नहीं करता 50+ की माइलेज है, जो कि आप इस व्हीकल के अंदर मीटर के अंदर आप कंपनी ने एवरेज मीटर भी लगा दिया, इसमें क्या है आपको जब जिस कंडीशन में आप राइड कर रहे हो उस टाइम में पता लग जाएगा आपकी व्हीकल क्या माइलेज देगी। अच्छा 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 ठीक है, एवरेज काफी अच्छी खासी दे रही है, इंक्रीज कर सकती है, कस्टमर ऑलरेडी चाहे हमारी एक्सेस का भी आपने नाम उसका देखा होगा कम पीता ऐड आता है नॉर्मली, क्योंकि जापानी इंजन है थोड़ा सा टेक्नोलॉजी इन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी इसकी यूज, इसलिए इसकी जो माइलेज है 50+ की कस्टमर फीडबैक है, लोकल में भी राइड करते हो 45-50 के बीच में लोकल राइडिंग। अच्छा सर इसमें कलर कौन कौन से इस बार अवेलेबल है? इसमें 3 कलर अवेलेबल आते हैं, ब्लैक कलर है इसके अंदर ठीक है, एक हमारा इसमें रेड कलर रेड सिल्वर में अवेलेबल है, प्लस ब्लू कलर, 3 कलर कंपनी ने लॉन्च। अच्छा कुछ ग्राफिक वगैरह में चेंज करें क्या इसके लुकिंग वाले की? अब देख सकते हैं जो पहले की जो थी उससे ग्राफिक काफी अच्छी की गई है, स्टेडियो में ये जो काउल लगा हुआ है ना ये एयर काउल कहते हैं जो हवा को काटने के लिए काम आता है, उसी के ऊपर ग्राफिक दी गई जो जैसे यहाँ पे टायर पे भी दे दिया जो काफी अट्रैक्टिव लगता है, दोनों से मैचिंग कर रही है बिल्कुल ही, क्या होता है बाइक की जो लुक है वो प्रीमियम लुक आती है, ओवरऑल जो बाइक के यहाँ पे सीट पे है काफी कंफर्टेबल है और यहाँ से ग्रिपिंग भी दे रखी है पकड़ने वाली, जैसे यामाहा में V4 में नहीं देते पकड़ने के लिए, उसका जो पीछे वाला बंदा ना वो कंफर्टेबल रहता ही नहीं है कभी इधर कभी उधर आगे पीछे, तो उसमें ग्रिपिंग भी दे रखी है पकड़ने के लिए, और ओवरऑल इस बाइक को आप किसी चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं, घर के काम के लिए, लॉन्ग टूर पे जाने के लिए, लुकिंग के मामले भी बेस्ट है, सारे काम हो जाते हैं, जैसे यामाहा की बाइक है KTM की बाइक है उस पे सिर्फ राइडिंग वगैरह के लिए कंफर्टेबल है, आप कोई सामान लेके नहीं जा सकते या 3 जनों को नहीं बिठा सकते, इसमें 3 जनों को भी बिठा सकते हैं
तो ये काफी अच्छी बात है। और ओवरऑल सर मेन इसका प्राइस क्या है और इसकी प्राइस कौन सी है? देखिए मैं ये धर्म सुजुकी पीरागढ़ी में है हमारा। अच्छा सर ठीक है, मेट्रो पिलर नंबर 316 के सामने है। अच्छा अगर इसकी ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 166 का ऑन रोड प्राइस है, जो कि कंपनी सुजुकी की तरफ से इस मंथ में इस बाइक पे काफी अच्छी अट्रैक्टिव ऑफर दी गई है। अच्छा जिसमें नॉर्मली आपको 8000 तक का डिस्काउंट है, जो कि टू व्हीलर पे पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा अच्छा, लेकिन इस मंथ में इन्होंने एक एक्सचेंज स्कीम निकाली है जिसपे आपके 8000 हम प्राइस के अंदर डिस्काउंट देंगे। अगर कोई कस्टमर जैसे अभी लेने का प्लान बना रहा है तो उनके लिए काफी अट्रैक्टिव ऑफर है। अच्छा सर, जैसे कि और जो ईएमआई पे लेना चाहते हैं तो उसकी डाउन पेमेंट कम से कम के लिए भी कस्टमर के पास में है, वो कस्टमर के सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली अगर चाहें तो आपको 30,000 से लेके ठीक है 30,000 मिनिमम इसकी डाउन पेमेंट है, उससे ऊपर जो भी कस्टमर करना चाहे। अच्छा सिविल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिविल कैसा है। सिविल काफी अच्छा है तो 20,000 में भी हम लोग फाइनेंस करते हैं। 20,000 में भी, कम से कम 20,000 में भी ये फाइनेंस हो जाएगी। और बेसिकली जो रेंट पे रहता है उसको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? ज्यादा डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड नहीं है, आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए हमें जो मेन रिक्वायर्ड है, प्लस कस्टमर का अकाउंट हो जिसमें या तो दो चेक की रिक्वायर्ड होगी या एटीएम होना चाहिए कस्टमर के पास। अगर ये डॉक्यूमेंट उसका वैलिड है तो हैंड टू हैंड फाइनेंस करते हैं, फाइनेंस में भी ज्यादा टाइम नहीं लगाते, नॉर्मली आपको आधे घंटे में गाड़ी हम लोग फाइनेंस। जैसे किसी किसी शोरूम में जाते हैं ना वहाँ फाइनेंस में एक दो दो घंटा लगा देते हैं, फिर लास्ट में बोलते हैं सर आपका लोन क्लियर नहीं हुआ। बिल्कुल, बट ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ 5 मिनट में क्लियर कर देते हैं आपका लोन होगा या नहीं। रेंट वाले के लिए भी यही, रेंट एग्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं? नहीं कुछ नहीं चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट हो कस्टमर का। अच्छा ठीक है, अगर चेक अवेलेबल नहीं भी है तो सिर्फ एटीएम होना चाहिए कस्टमर के पास, उस पर भी हम लोग फाइनेंस करते हैं। अच्छा सर, जैसे ये जो बाइक लेने आ रहा है उसके अंदर कोई इसको कोई फ्री वगैरह कुछ मिले, हेलमेट वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैंने बताया ना जैसे कि अभी सुजुकी ने ऑफर दिया 8000 का इस बाइक पे ऑफर दे रहे हैं, प्लस इसके साथ में हेलमेट है। अच्छा। ठीक है, कुछ एक्सेसरीज वगैरह इसमें लगती है जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, सीट कवर डालेंगे इसके, ठीक है ग्रिप लगाते हैं, बजर होता है, आगे लेग गार्ड लगेगा। अच्छा, लेडीज के पैर रखने के लिए फुटरेस्ट लगाते हैं साइड में, ये सारी ऐसे सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, जैसे आप शोरूम में जाते हो तो किसी में जाते हो सिर्फ ओनली वो आपको बाइक दे देना, हेलमेट दे देना, कुछ नहीं देते बाकी? सिक्सर वालों की अच्छी बात है, इसमें हेलमेट फ्री दे रहे हैं, एसेसरी फ्री दे रहे हैं, लेग गार्ड फ्री दे रहे हैं, तो काफी अच्छी बात है। ओवरऑल हमने इस बाइक के बारे में आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे और लोकेशन डाल देंगे, और सर का नंबर दें, सर एक बार अपना नंबर बता दो। मेरा नंबर है 7065-7111-33, नाम है गोविंद। ठीक है, आप इस नंबर पे अगर आपका बाइक लेने का प्लान हो तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर के पास कॉन्टैक्ट करना, अपने डॉक्यूमेंट भेज देना, बस आपको आ रहा है, डाउन पेमेंट लेके आनी है और लेके चला जाना है। और वीडियो में ओवरऑल हमने सारा कुछ बता दिया है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और जय भद्रकाली। थैंक यू।